हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? तो आपका स्वागत है आपके और अपने चैनल में, मिस्टर ऑडिटेक चैनल में। ओके, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिसके हम लोग स्क्वेयर रूट्स फाइंड करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है, रेलवे, SSC के, बैंकिंग के एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसको शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे सॉल्व किया जाता है ना, इसको शॉर्ट ट्रिक्स में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो आज हम लोग देखने वाले हैं। काफ़ी सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ गए, है ना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ गए, तो आपको क्या करना होगा, अब जो रूट में जो वैल्यू लिखी है, जैसे यहाँ पे रूट में 15 लिखा हुआ है ना, तो इसको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले। तो 5 3 15 होता है, ठीक है, 5 3 क्या होता है, 15 होता है, और वो जो 5 और 3 उसको एडिशन करें तो अपने को ये वैल्यू मिलनी चाहिए। जैसे ठीक है, देखते हैं अभी, ठीक है, 8 + 2√, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 × 3, 5 3 = 15 लिख सकते हैं, राइट। और 5 + 3 कितना होता है, 8 होता है, मतलब ये वैल्यू अपनी आनी चाहिए 5 + 3, है ना, 5 + 3 = 8 होता है। तो तभी, और साथ में आपको एक बताना चाहता हूँ, हमेशा रूट के आगे 2 होना चाहिए, ठीक है, अगर रूट के आगे 2 नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे ये देखिए क्वेश्चन से यहाँ पे है, रूट के आगे 2 नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। सबसे पहले आप ये ट्रिक देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 3 = 15 हो रहा है और 5 + 3 = 8 हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर डायरेक्ट, √5 + √3। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे प्लस क्यों आया, है ना, इसमें प्लस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे माइनस लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा, आंसर में माइनस आएगा, तो यही आपका आंसर हो गया है। वैसे इसको सॉल्व करके देखते ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। देखते हैं इसको, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये 30 को कैसे लिख सकते हैं, 6 5 = 30, राइट, 6 5 = 30 लिख सकते हैं, 6 × 5, और 6 + 5 कितना होता है, 11 होता है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, √6 - √5, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए इसका माइनस में आंसर आएगा, यहाँ पे प्लस लिखा इसलिए इसका √5 + √3 आएगा, इसमें माइनस है इसलिए इसमें √6 - √5 आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ना, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे तो 2 है ही नहीं। मैं आपको बताया था जहाँ पे अगर रूट के आगे 2 होगा तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा, रूट के आगे 2 ला लेंगे, देखिए मैं कैसे लेकर आता हूँ यहाँ पे 2, ओके। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, 8 प्लस, अब 15 4 = 60 होता है, राइट, हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 15 × 4, 15 4 = 60 होता है, और 8 प्लस, जब ये 4 आएगा रूट के बाहर तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, राइट, जब ये 4 रूट के बाहर आ जाएगा तो 2 2 2 4, क्योंकि वो 2 का स्क्वायर है 4, तो 2 हो जाएगा और ये रूट 15 हो जाएगा, राइट, बराबर है, समझ में आ गया। ये जो 4 अगर रूट के बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, राइट। फिर क्या करेंगे, 8 + 2, अब 15 को कैसे लग सकते हैं, 5 3 = 15 होता है, ठीक है, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, और 5 + 3 = 8 होता है, तो ये मैच हो गया, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √5 + √3, यही इसका आंसर हो जाएगा, राइट, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे भी प्लस लिखा है हमने, ओके। तो वैसे ही ये नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 2 नहीं है, है ना, रूट के आगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं हम लोग। 11 - क्या हम लोग 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 × 2 = 4, और ये √6 वैसे के वैसे आ जाएगा। देखो 2 × 2 हो गया, ये 4 हो जाता है, उसके बाद में हमको क्या करना है, ये जो 2 है अगर रूट के अंदर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, तो ये रूट, ये जो 2 है और ये 6 को हम लोग इंटू, ये 2 रूट के अंदर चला गया तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, देन 11 - 2√6 4 कितना होता है, 24 होता है। क्या हम इसको 24 को ऐसे लिख सकते हैं, 8 × 3 = 24 कितना होता है, 24, और आप देख सकते 8 9 10 11, 8 + 3 कितना होता है, 11, तो ये मैच हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √8 - √3, ये इसका आंसर
हो जाएगा रूट एट माइनस ऑफ क्यू, की यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये ट्रिक काफ़ी इजी ट्रिक है। ठीक है, हमेशा याद रखना रूट के आगे टू होना ज़रूरी है। अगर रूट के आगे टू हो गया तो आपको आसानी से उसको सॉल्व कर पाओगे। सपोज़ रूट के आगे टू नहीं है तो आपको सिंप्लीफाई करके टू लाना पड़ेगा, है ना, उसी के बाद में आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो इसी टाइप के आंसर आते हैं यहाँ पे, रूट में ही आपको आंसर मिल पाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।